आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जरूरतमंद लोगों को नहीं मिला खाद्य सामग्री। गुलमा एक और जहां कोरोना वायरस जैसे महामारी को लेकर गुलमा जिला समुचित लॉकडाउन लागू है, इस दौरान गरीब निसहाय लोगों की पेट की आग को निजात दिलाने के लिए निसहाय परिवारों को जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन के द्वारा खाद्य सामग्री, दाल भात, केंद्र दीदी किचन व अन्य योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को घर तक पका भोजन और खाद्य सामग्री पहुँचाने के लिए सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन हकीकत गुलमा जिला की कुछ और ही है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं किस कदर गरीब और निसहाय लोग दो वक्त की भोजन की जुगाड़ में किस तरह से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। गरीबों को अनाज नहीं दिया जाता, उल्टे पांव लौटा दिया जाता है। मामला जिले के सदर प्रखंड का है। सदर सटे चाहा गांव का यह पूरा मामला है, जहां लगभग 40 परिवारों को लॉकडाउन के तहत दिया जाने वाला खाद्य सामग्री नहीं दी गई। 5 दिनों से लगातार कार्यालय और सामाजिक संगठन के यहां लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अनाज मुहैया नहीं कराया गया है। जबकि गरीब लोग जो कि मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, आज भूख मिटाने के लिए अधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी निस्सहाय लोग भूखे रह रहे हैं। जिसे पता चल रहा है कि जब शहर की हालत यह है तो ग्रामीण इलाकों के गांव में रहने वालों की हालत क्या ही होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीर देख सकते हैं, कार्ड बना हुआ है, उसमें भी राशन नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, मेडिकल कॉल मिलता है, मजदूरी करते हैं हम लोग, राशन कार्ड देवे नहीं, उसमें चावल भी नहीं मिलता है। मुखिया के पास गए थे, वो भी बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं बोलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सबका लिए देता है, हम लोग के लिए क्यों नहीं मिलता है, यही के लिए हम लोग आए। उसके बाद बोला था कि घर लॉकडाउन के चलते कहाँ आती, बाहर में आती है, नहीं आना है बाहर बोलता है। वहाँ बजरंग दल का नाम लिख रहा था वो लोग। तो हम लोग बोले कि हम लोग के पास चावल भी खाने के लिए नहीं है, घर जाके भी देख सकते हैं। तो हम लोग नहीं मिलता है तो हम लोग आएंगे ना, है कि घर से बाहर नहीं निकलने के लिए। और क्यों नहीं बोला है सरकार, क्या है? सरकार ने बोला है कि घर में राशन पहुँचा देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए बोला था। क्यों? तो हम बार बार इधर आते हैं, मुखिया के इधर बोलते हैं घर में पहुंचा देंगे, इधर भी नहीं देते। हम डेली 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। और इधर आए थे जब एक बार लिखवा कर नाम वाम फोन नंबर सब लिखवा कर गए थे, बोले थे कि घर पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचाए और इधर दे भी नहीं रहे हैं। और पैसा भी नहीं है, हम कहाँ से खरीद के खाएंगे? हम लेबर ओबर काम करते हैं, हमारे पास भी अभी पैसे भी नहीं है। फिर बच्चे बच्चे को हम कहाँ से देखेंगे? अभी हमें राशन वासन पहुँचा दीजिए। अभी क्या राशन मांग के लिए आए थे? अभी दिया भी नहीं है, हम किसी दिन भी लेकर नहीं गए। 4-5 दिन पहले आए थे, जब बोला था घर से बाहर नहीं निकलना, हम घर में पहुंचा देंगे बोलाए हैं। तो बिफेवार को आए थे, बिफे को, तो बिफे को लिखाए, एड्रेस वड्रेस पूरा दिए और फोन नंबर भी लिए, फोन नंबर भी लिखाए। फिर बोला कि 2 दिन में पहुँच जाएगा आपका अथी घर में, आप घर से नहीं निकलिएगा। कौन बोला? वही बजरंग दल का, इधर अथी ब्लॉक तरफ बोले। फिर हम लोग ढेरे आए थे उस दिन, तो उस दिन हम लोग आए, फिर आज और आए नहीं पहुँचा इसीलिए।